सवाल बीजेपी से पूछो। अमित शाह जी तेलंगाना में गए, वहाँ बोल रहे हैं हम मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे। वो किस लिए कर देंगे? क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है? नहीं नहीं भाईजान, बिल्कुल है, बिल्कुल है। रुको रुको, है आराम से। यू कैन नॉट सी, मैं आपको एक फंडामेंटल चीज समझा दूं। मैं आपको एक एक मिनट प्लीज ईशान त्यागी, मैं एक फंडामेंटल चीज बता दूं। जनता पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे, जनता पे रिएक्ट करने का अधिकार किसी भी गेस्ट को नहीं है। जी जी आ रहा हूं। राइट टू एजुकेशन एक्ट मदरसों पर लागू क्यों नहीं है? कांग्रेस ने क्यों नहीं किया मदरसों पर राइट टू एजुकेशन? उनसे पूछो, नहीं है लागू मदरसों पर, लागू नहीं है राइट टू एजुकेशन। एक सवाल, क्या मुसलमान इस देश का वासी नहीं है क्या, जो आप आरक्षण खत्म करोगे? ये बोल रहे ना कि हम खत्म करेंगे आरक्षण। आराम से, जवाब तो मुझे मालूम है, लेकिन आप जवाब देंगे हल्ला मचा के, वो जवाब चाहते नहीं हम, बिल्कुल संयत भाषा में, और जनता पे रिएक्ट नहीं करेंगे। जी देखिए, मेरे भाई ने जो पूछा ना, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, मेरे मित्र, संविधान, क्या संविधान में रिलीजन के आधार पर आरक्षण दिया गया था? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए इस देश के श्रद्धेय संविधान में धर्म के आधार पर क्या आरक्षण देने की व्यवस्था है? यदि है तो आप ले लीजिए आरक्षण, वरना यह देश तय करेगा, संविधान से चलेगा, यह धार्मिक कट्टरता से चलेगा। अब दूसरा इसी पे भाई का, इसी का सवाल एक और। ये बात तो सही है कि रिलीजन के आधार पर नहीं था, लेकिन समानता देने के लिए था, तो रिलीजन तो बदल गया लेकिन समानता नहीं आई, तो ये सवाल है और इसमें कई लोग फंसते हैं। मैं आऊंगा आराम से, वन बाय वन। जी बात आप विपक्षी एकता से, प्रतीक जी आप ही देखिए, विपक्षों के पार्टी के पास एक ही रीजन है कि मोदी हटाना है, ना उनके पास कोई रीजन है ना कोई विजन है। वो तो मोदी को क्यों हटाना है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी एक ब्रांड है, जैसे पब्लिक शो में भैया जी कहीं ना एक ब्रांड है, उसको लोग कम्पीट कर रहे हैं। नहीं, ये बात सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही मोदी जी को हटाने के लिए पहले उनके बराबर आना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी पूरे 543 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जी सुना, अरे कहाँ जा रहे हैं? घर में खाना ना भी बनाना है क्या? अरे 5-6 मिनट और रुकिए, 53 हो गया, 54-55 तक रुक जाइए। कहाँ जाना हुआ? यहीं से आए, दिल्ली से ही है। दिल्ली से? तो आज बाहर खाना खा लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, खाना खाने ही निकले आज। खाना खाने ही निकले, वो मैं चेहरे पे पकड़ लिया था। तो आज घर में खाना ना बनाइएगा, यहीं से खा के कुछ पाव भाजी या कुछ बढ़िया जो आपको लगता हो खा के जाइएगा। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ चल रही थी विपक्षी एकता और कहाँ पाव भाजी पे आ गए। पब्लिक का ख्याल रखना नहीं जरूरी है, पब्लिक खड़े रहो, पहले खड़े होना सीखो, जो एक के साथ एक फ्री है उसको छोड़ो, फिर आऊंगा। जी प्रदीप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे विपक्ष के नेता सिर्फ सत्ता के लिए क्यों हो रहे हैं? देश की जो समस्याएं हैं, अलगाववाद है, सांप्रदायिकता है, जनसंख्या नियंत्रण है, वो कह रहे हैं ना, अभी बोलो ना, उन्हें लगा मोदी जी को हटाना है। नहीं, वही मतलब कि सिर्फ मोदी को हटाना है कि देश को बचाना है? तो देश के मुद्दे पे हम लड़े, हम देश में जो समस्याएं उस पर लड़े, हमारे साथ। आप सीधे सवाल पूछे ना इनसे, ये कांग्रेस वालों से, इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ये 48 साल सिर्फ देश को गुमराह किए, अब देश में काम होने लगा तो इनको समस्या होने लगी। आप बताइए, इतने लोग हैं, देश का विकास जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा किसी भी जाति धर्म विशेष से ऊपर उठ के कैसे होगा? आज हम विश्व में सबसे अधिक आबादी वाले देश के हो गए, और हम कैसे किसी को रोजगार दे सकते हैं? हमारे साथी भक्त ने बहुत अच्छा कहा, 48 वर्षों तक हमने गुमराह किया तो इतना एम्स बनाया, इतना IIT बनाया, इतने विश्वविद्यालय बनाए, इतने लोगों को राइट दिए, पब्लिक राइट, और इन सरकार ने क्या किया? सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, 20-80 किया, चर्बी गर्मी किया, कब्रिस्तान समस्तान किया, और इसी में ये लोग भक्ति कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है आज देश में कितने एम्स बन गए, कितने IIM बन गए, हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज बने, या सिर्फ झूठ बोले, और एन के एन झूठ बोल के बिजली पानी पे दिल्ली को गुमराह करके देश को गुमराह कर रहा है। ये बात बोल रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की भी बातें लोग करते हैं, दो भ्रष्टाचारी का नाम बताइए जिसको मोदी सरकार ने अरेस्ट किया हो, भाजपा के हैं। देखिए, दो भ्रष्टाचारियों का नाम मैं बताता हूँ, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी दोनों बेल पर बाहर हैं,
दोनों बेल पर बाहर है, दोनों के ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। दूसरा, मेरे पढ़े लिखे भाई ने अभी झूठ बोला यहाँ पे, 2014 में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज 5वीं है, झूठ बोला है मेरे भाई ने जो पढ़े लिखे हैं। अपने अपने मित्र के खिलाफ अभी भी नहीं बोल पाए, अपने मित्र के खिलाफ इनसे दो शब्द नहीं फूटे कि मैं अडानी के खिलाफ। आपने कहा दो नाम गिराइए, गिरा दिया इसने। दूसरी बात, क्या ये महंगाई पे हमसे डिबेट कर पाएंगे, क्या ये बेरोजगारी पे हमसे डिबेट कर पाएंगे, क्या ये दालों के दाम पे डिबेट कर पाएंगे, क्या ये थोड़ा थोड़ा कम हो रही है, कहने लगे इस पे डिबेट कर पाएंगे, इस पर डिबेट कर पाएंगे। जसगी भी सके, हाँ जी देखिए प्रतीक जी, महंगाई पे बिल्कुल बिल्कुल, जब भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि 2012 में क्या स्थिति थी, उन्होंने कहा झूठ बोला। मैं तीन क्रेडिट एजेंसियों के नाम बता रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, मूडीज और स्टैंडर्ड और पुअर्स और फिंच, इन तीनों की 2012, 11 और 13 की क्रेडिट एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग्स उठा के देख ली थी है। देश की जो अर्थव्यवस्था थी नेगेटिव में डाल दिया था, मतलब विदेशी निवेश ना आए। मैं ये कह रहा हूँ, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी, उन्हीं की खड़ाऊ लेकर के तो अभी तक चल रहे थे इतने साल तक, इनको जहाँ सत्ता मिल जाए तो ये महबूबा मुफ्ती की भी खड़ाऊ उठाने को तैयार हो जाते हैं। कल कल अखिलेश जी, आज ही आज अखिलेश जी क्या करने वाले हैं नीतीश जी के साथ, आप ये बताइए। आप खड़ाऊ की बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं सुनिए सुनिए, अब मैं बताता हूँ ये विपक्ष है क्या। 38% वोट है, लाट टपकी पड़ रही है जी। देखिए ये गणित केवल और केवल सपा और विपक्ष को ही आता है कि जो भाजपा को नहीं मिली वो इनकी वोट है। आप इतनी गलत हो ये रहा है कि विपक्षी लोग हैं अपने अपने राज्य में कांग्रेस या एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और बाद में मोदी के खिलाफ लड़ने की बात